ये चल रही है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो सब जगह आपको हरियाली हरियाली नजर आएगी। जैसे सावन के अंधे को हरियाली नजर आती है ना, तो नॉर्मली सब लोगों को हरियाली नजर आएगी इसी तरह से। इतना हंसता बहुत अच्छा है तुम्हारा भाई। हवा इतनी ठंडी लग रही है, मुझे तो कोमल की फिक्र हो रही है। कोमल का क्या होगा भाई? क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस सही है मामला। कोमल का ना बस क्या बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है। बर्फ जम जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ इसके। कहाँ मतलब यार कहीं गलत जगह जमा दी मोहित भैया। यहाँ से बाएं मुड़ते हैं ये वाला रोड, तो ये चला जाता है सतपुली पौड़ी के लिए, लेकिन हम मुड़े हैं अपने दाएं हाथ पर क्योंकि हमें जाना है ताड़केश्वर। और अभी आगे जाके दो जगह रास्ता और विभाजित हो जाएगा, एक लेंस रन के लिए और दूसरा ताड़केश्वर के लिए।
दो जगह बढ़ जाएगा ये। आप अगर अपनी बाई ओर चले जाएंगे ऊपर की ओर, यहाँ से ये देखिएगा आपके सामने, तब आप चले जाएंगे यहाँ से लैंसडॉन, और आप अगर नीचे की ओर जाएंगे तो ये रोड जाती है ताड़केश्वर के लिए। ये ऊपर वाली सड़क लैंसडॉन और नीचे वाली दाई ओर वाली ताड़केश्वर के लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज ताड़केश्वर नाथ के दर्शन कराएंगे। दो लोग तो सो गए भाई, इतना खा लिया था इन दोनों ने, तुझे पचा रहा है ये। आपसे एक बात बताता हूँ, जब भी कहीं घूमने जाओ ना, और जब साथ में दोस्त हो तो उनको कभी ना खाना मत खिला देना, वरना देखो क्या हाल होगा इनका। ये देखो ये कैसे हलक फला फला के सो रहे हैं। ये सुमित सो रहा है, ये कोमल, और ये उठ गया। इसको पता था वीडियो चल रही है, ऑन हो गया कैमरा, अब ये स्माइल दे रहा बंदा देखो। दोस्तों को ना हमेशा भूखा रखना चाहिए, और जिन्हें वैसे भी सोने की आदत हो उन्हें तो खाना दे ही मत देना बस कभी भी। आप यहाँ लगी ठंडी हवा थोड़ी सी। ठंडी नहीं बेटा, आगे बर्फ पड़ रही है। चल भाई साहब बर्फ खिलवा दो मोहित भैया, तुम आइसक्रीम खिलवा सकते हो भाई। अरे बर्फ ही खिलवा दो। और मौसम में थोड़ी सी नमी है, यहाँ हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी है, बहुत थोड़ी। मिलता है क्योंकि जहां पर ज्यादा ठंड होती है वहां पर ये पेड़ जो है पनपता है, उस पे एक फूल आता है और उसका ये अर्क निकलता है। तो दोस्त पीछे आ रहे हैं मेरे। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये मेरी चौथी यात्रा है ताड़केश्वर जी की, 2017, 2018, 2019 और 20 और 21 इसलिए नहीं आ पाया कोविड-19 की वजह से,
और मुख्य द्वार दिखा दूं मैं आपको ताड़केश्वर का, ये यहाँ से नीचे इस तरह से बिल्कुल पैड़ियाँ बनी हुई है, नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई है ये। अरे आ जाओ, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बिना पकड़े नीचे नहीं जाऊंगा मैं। सुमित देखना, 12:10 है ना, चलो आप पहले नीचे उतरेंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा सा अपोजिट सिस्टम है, मैं जितना घूमा हूँ उनकी अपेक्षा यहाँ पर 15 मिनट चढ़ने में लगेंगे बस। अबे आगे आ जाओ, गिराओगे मुझे कैसे, हंस ले बेटा तू तो हंसता रही हो बस, ये हंसता रहता है हमेशा भाई, कुछ भी हो जाए किसी के साथ इसने हंसना है बस, सुमित ने। तो मैं आपसे ये कह रहा था मैं 3 बार यहाँ आ चुका हूँ पहले ऑलरेडी, और ये मेरी 4थी यात्रा है। बजाओ बेटा बजाओ, अरे छोड़ दे उसको बजाने दे, जितेंद्र कहाँ रह गया, अरे मैं नहीं आया, रुको तो, आ गया भाई आ गया, अरे जीतू आ जा भाई, हाँ शाबाश बेटा, चलो ऊपर की देखिए पेड़ की, अच्छा जब हम लोग, मैं लास्ट ईयर जो आया था वो 2019 में यहाँ आया था, तो तब तक ये हमारे ऊपर जो ये टीन शेड डाली गई है ये नहीं थी यहाँ पर, ये जो अब है, क्या जी ये टीन शेड पहले नहीं थी, मैं 2019 में आया था लास्ट, तब तक नहीं थी ये, नहीं थी ना, नीचे थी, हाँ नीचे थी ना, नहीं थी ये, यहाँ नहीं थी भैया ये, हाँ नहीं मैं कन्फर्म हूँ यहाँ नहीं थी। अच्छा मैंने ना ब्लॉग जो बनाया वो दिसंबर 2020 में, हाँ तब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत घूम लिया, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है और फोटोज़ बहुत हैं मेरे पास, तो इसीलिए मैंने सोचा अब हम जब जाएंगे तो यहाँ की बना लेता हूँ मैं। लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पड़ती होगी नीचे तक ये, अब देखिएगा आप रास्ता कैसा है ये। मुझे ना चढ़ने में कोई समस्या नहीं होती है, बस सारी दिक्कत जो है वो, सॉरी गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, मुझे उतरने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन सारी समस्या चढ़ने में होती है बस। अभी देखना फिर मैं कैसे चढ़ता हूँ यहाँ, हाँ ये लकड़ी है, चीड़ के फूल है ये, अभी दिखा दूंगा फिर बैक कैमरा खोल के मैं। और आप देख रहे हैं ताड़केश्वर नाथ जी के जो जाने का रास्ता है वो, और ये सारे श्रद्धालु लौट के आ रहे हैं दर्शन करके, और हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखो जितेंद्र क्या लेके आया है, ये चीड़ का फूल है, फूल है भैया, हाँ ये चीड़ का फूल कहलाता है, हम तो फल समझ रहे थे, नहीं फल नहीं है ये, फूल है ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है, चीड़ का फूल है, इसे यहाँ से काट देंगे बस, पत्ता रखेंगे, ये नारियल है भैया जिसकी 3 आंखें हैं, हाँ जिसकी 3 आंखें हैं, और जितने भी यात्री आते हैं उनके शूज और चप्पल वगैरह की व्यवस्था यहाँ उतारने की। और हम पहुंच चुके हैं ताड़केश्वर धाम उत्तराखंड, और ये मंदिर में जाने का जो है प्रवेश द्वार है आपके सामने, ठीक है, और मंदिर के विषय में शिलापट लगा हुआ है, सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर की महिमा, ताड़केश्वर धाम का मंदिर आदिकाल लगभग 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है। ताड़केश्वर एक सिद्ध पुरुष अजन्म संत थे, वह शिव स्वरूप
थे तथा भगवान शिव के ही तेजोमयी अंश प्रकट हुए थे। वह दिगंबर भेष धारी एक हाथों में त्रिशूल एवं एक में चिमटा था, दूसरे हाथ में डमरू बजाते हुए शरीर पर भस्म लगाकर अपने इष्ट शिव का जाप करते हुए इधर उधर विचरण किया करते थे। विचरण अवस्था में यदि कोई मनुष्य गलत काम करते हुए देखा गया, अपने स्वार्थ के लिए गाय बैलों को पीटते देखा गया तो उसे जोर से आवाज देकर फटकारते थे तथा उसे आर्थिक एवं शारीरिक दंड देने की चेतावनी देते थे। जो उनकी शरण में गया, जिन्होंने उन्हें सही रूप में पहचाना, उन्हें उन्होंने मन इच्छित फल दिया। वैश्य पुरुष मानव को गलत काम न करने में उन्हें ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना, फटकारना, पीटना। इसलिए वह जन समुदाय में ताड़केश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलो ताड़केश्वर नाथ की जय।